हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में। तो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस सिक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू जीरो। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एंड हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं, क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू वाई प्लस 6 एज इट इज रहेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो ये क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा 11 डी वाई प्लस 6 वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डी क्यू प्लस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी प्लस 6, इसमें से वाई कॉमन लिया, इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, इसका एक्जुलरी इक्वेशन फॉर्म करना है। एक्जुलरी इक्वेशन क्या करना है, केवल डी की जगह एम पुट कर दो, वाई की जगह 1, तो इट्स एक्जुलरी इक्वेशन इज एम क्यू प्लस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी, सॉरी एम क्यू प्लस 6 एम स्क्वायर प्लस 11 एम प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ये आपका दिया हुआ। एंड अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, ये तो क्यूब का है, स्क्वायर का रहता तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता तो आप इजीली सॉल्व कर लेते। तो आप क्या करना होगा, आपको हीट एंड ट्रायल मेथड करना होगा। अगर आप m इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हो, m इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देखते हैं, m इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे, माइनस 1 पुट करके देखेंगे किस पे कोई जीरो हो रहा है या नहीं। तो माइनस 1 अगर हम पुट करके रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1 एंड ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा माइनस 11 एंड ये हो जाएगा 6, तो 6 6 12 एंड माइनस 11 और माइनस 1 माइनस 12, इट मीन्स ये जीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि m इक्वल टू माइनस 1 रूट टू है, रूट ऑफ एक्जुलरी इक्वेशन, m इक्वल टू माइनस 1 रूट है। तो ये m इक्वल टू माइनस 1 है, इसको इस साइड लाएंगे तो m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या कहलाएगा, फैक्टर, फैक्टर ऑफ एक्जुलरी इक्वेशन। ठीक है, देखिए हम ये कर क्यों रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा जो एक्जुलरी इक्वेशन फॉर्म हुआ वो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्यूबिक में हम पहले हीट एंड ट्रायल मेथड करके कोई एक रूट फाइंड आउट करेंगे एंड रूट जो फाइंड आउट हो जाएगा उससे हम क्या करेंगे, उसका फैक्टर फॉर्म करेंगे। m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्जुलरी इक्वेशन का। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि इससे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। तो m प्लस 1 हमारा फैक्टर हो गया एंड हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एम क्यू प्लस 6 एम स्क्वायर प्लस 11 एम प्लस 6, ये आपका एक। तो अब आपको सिंपल डिवीजन करना है, यहां पर एम स्क्वायर लिखूंगा मैं एंड एम स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, एम क्यू प्लस एम स्क्वायर। आई थिंक आपको ये डिवीजन आता होगा, नहीं आता फिर भी मैं बता रहा हूं। यहां पर क्या करेंगे, अपना साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देंगे, एम क्यू कैंसिल हो गया एंड 6 एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये क्या बचा, 5 एम स्क्वायर, रेस्ट हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, 11 एम प्लस 6। अब यहां पर देखिए 5 एम स्क्वायर एंड यहां पर आपको क्या है, m है, आपको केवल फर्स्ट टर्म पर कंसिडर करना है कि क्या करें इसमें, इस m में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये फॉर्म हो जाए, केवल हमें इससे मतलब है। तो अगर हम इस m में 5m से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 5m स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहां पर 5m लिखेंगे प्लस 5m एंड इसमें 5m से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 5m माइनस, प्लस का माइनस एंड प्लस का माइनस, 5m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया एंड यहां पर देखिए 11m माइनस 5m, 11m में से 5m गया तो कितना बचा, 6m है प्लस, ये 6 कॉपी हो जाएगा। अब आप देखो यहां पर आपका क्या है, 6m है एंड यहां पर m है, तो इस m को 6m कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, सिंपल आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 6। आपको सेकंड टर्म से मतलब नहीं है, आपको केवल फर्स्ट टर्म ऐसा करना है कि फर्स्ट टर्म आपको कैंसिल हो जाए, वो मल्टीप्लाई करोगे वैसा ही फॉर्म बने ताकि अगला बार आपको साइन चेंज करोगे यहां पे तो कैंसिल हो जाए। तो यहां पर हो गया 6m प्लस 6, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये टोटल कैंसिल, जीरो हो गया। तो आपको क्या मिला, ये जो मिला
एम प्लस वन एंड एम स्क्वायर प्लस फाइव एम प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये जो आपको जो एक्सिलरी इक्वेशन था ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम प्लस वन तो हमारा फैक्टर था एंड ये जो रेस्ट बचा उसको हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। अब देखो एम प्लस वन आपका एक रूट एम प्लस वन है, तो इसको एम इक्वल टू वन, एम इक्वल टू माइनस वन एक रूट निकल जाएगा एंड इसको सॉल्व करने से आपको दो रूट निकल जाएगा। तो टोटल जो आपका क्यूबिक है एंड इसका तीन रूट होता है, तो तीनों रूट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो एम प्लस वन को तो हम एज इट इज रखेंगे एंड इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सिक्स है एंड फाइव करना है, तो सिंपल जैसे फैक्टराइजेशन होता है, थ्री एम प्लस टू एम प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो एम प्लस वन, एंड यहां से अगर हम एम कॉमन ले लें तो यहां पर हो जाएगा एम प्लस थ्री, प्लस टू कॉमन ले लें तो एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, एम प्लस वन तो हमारा है ही एंड यहां पर हो जाएगा एम प्लस थ्री, दोनों में कॉमन ले लें एंड एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। इट मीन्स हमारा क्या है, एम प्लस वन इंटू एम प्लस थ्री इंटू एम प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो हमारा रूट क्या आया, एम इक्वल टू माइनस वन एंड एम इक्वल टू माइनस थ्री एंड एम इक्वल टू माइनस टू। अब देखो आपको क्या हो रहा है, तीन रूट आ रहा है, तीनों रियल है एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, वाई इक्वल टू सी वन ई पे पावर एम वन एक्स। अब मान लो कि एम वन इक्वल टू माइनस वन है एंड एम टू इक्वल टू माइनस थ्री है एंड एम थ्री इक्वल टू माइनस टू है, सपोज कर लिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, सी वन ई पे पावर एम वन एक्स, एम वन की जगह माइनस वन है तो माइनस एक्स, प्लस सी टू ई पे पावर एम टू एक्स, एम टू की जगह क्या है थ्री है माइनस थ्री, माइनस थ्री एक्स, प्लस सी थ्री ई पे पावर एम थ्री एक्स, एम थ्री की जगह क्या माइनस टू, माइनस टू टू एक्स। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हिंस सॉल्यूशन इज वाई इक्वल टू सी वन ई पे पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई पे पावर माइनस थ्री एक्स प्लस सी थ्री ई पे पावर माइनस टू एक्स। क्यों, क्योंकि हमारा ये y इक्वल टू ये राइट हैंड साइड में जीरो है, जीरो है तो होमोजीनियस है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, केवल y इक्वल टू सी एफ होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया, ये इट मीन्स ये सॉल्यूशन हो गया ये। तो सिंपल आपको क्या करना है, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे, ये हमने चेंज किया, फिर d के जगह m पुट करेंगे, y के जगह 1, देन आपका क्या हो जाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा एंड हम क्या करेंगे, उस एक्सिलरी इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करेंगे। हमारा यहां पर एक्सिलरी इक्वेशन क्यूबिक था, तो पहले हमने हीट एंड ट्रायल मेथड ट्राई किया, देखा m इक्वल टू 1 पे 0 नहीं हो रहा था, लेकिन m इक्वल टू माइनस 1 पे 0 हो रहा था, इट मींस m इक्वल टू माइनस 1 रूट टू है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इट मींस इसको इस साइड लाएंगे, m प्लस 1 सेट जीरो हो गया, एम प्लस वन इक्वल टू जीरो इज ए फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल एक्सिलरी इक्वेशन। तो ये एक्सिलरी इक्वेशन का फैक्टर हुआ, फैक्टर हुआ इट मींस हम क्या कर सकते हैं, इससे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल डिवाइड किया एंड डिवाइड करने के बाद ये जो हमारा आया वो एंड ये दोनों मल्टीप्लाई कर ये फॉर्म होता है, क्योंकि रिमाइंडर आपका जीरो है। तो आपको क्या करना है, ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया सिंपल, अब आपको क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन कर इसमें से दो रूट निकाल लेना है एंड इसमें से एक आपको पता ही है, एम प्लस वन इंटू एम प्लस थ्री, एम प्लस टू इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू आपका माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री है एंड तीनों रूट आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सी वन ई पे पावर माइनस एक्स, सी टू ई पे पावर माइनस थ्री एक्स, सी थ्री ई पे पावर माइनस टू एक्स, क्योंकि हमने एक को एम वन ले लिया, एक को एम टू और एक तीसरे को एम थ्री ले लिया एंड आपका होमोजीनियस है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बराबर ही होगा, तो वाई इक्वल टू ये हमने पुट कर दिया, तो ये आपका आ गया आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड हम आगे आने वाले वीडियो में सारे टाइप्स को देखने वाले हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं हम सबको कवर करेंगे, तो आगे आने वाले वीडियो को आप जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।